हेलो एवरीवन। तो एक्वेरियस, आपके लिए वीकली रीडिंग लेकर मैं हाजिर हूँ। और जैसा कि आप एयर साइन हैं, तो आज हम देखेंगे कि अगले 7 दिन आपको कैसे रहेंगे। आपके लिए वर्क में, लव में, जॉब में कुछ भी निकल के आ सकता है। तो नेक्स्ट सेवन डेज कैसा रहेगा आपके लिए, और मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि जोडियक साइन की रीडिंग मैंने ऑलरेडी कर दिया है अपने चैनल पे। तो वहाँ से आप डिटेल रीडिंग, मंथली रीडिंग एक्वेरियस की वहाँ से देख सकते हैं। बाकी आज हम देखेंगे कि नेक्स्ट 7 डेज कैसे होने वाले हैं आपके लिए। इसे आप साप्ताहिक भविष्यफल भी कह सकते हैं। और जब भी ये रीडिंग आप देखेंगे, उसके अगले दिन से अगले 7 दिन तक ये आपको रेजोनेट करेगी। जनरल रीडिंग है, जो रेजोनेट करे उसको रखें, जो रेजोनेट ना करे जाने दें, किसी दूसरे के लिए छोड़ दें। न्यू टॉपिक्स के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। वहाँ हमेशा से नए टॉपिक्स पे रीडिंग आती है, जिसको आप अपनी ज़रूरत के अनुसार देख सकते हैं और उसका लाभ उठा सकते हैं। तो सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को। और आज छोटी सी रीडिंग देखते हैं कि नेक्स्ट वीक कैसा रहने वाला है आपके लिए। और मंथली रीडिंग के लिए आप मेरे चैनल पे जाइए, वहाँ डिटेल में आपकी राशि की, एक्वेरियस की रीडिंग अपलोडेड है। तो लेट्स बिगिन विद टैरोट कार्ड। नेक्स्ट 7 डेज कैसे रहेंगे एक्वेरियस के लिए। एयर साइन एक्वेरियस, हाउ विल बी योर नेक्स्ट वीक। मैजिशियन, पेज ऑफ पेंटिकल्स, एस ऑफ वैंड, बहुत खूबसूरत होने वाला है आपके लिए नेक्स्ट वीक। 7 ऑफ कप, देखिए यहाँ पे आप लोग एयर साइन हैं, एयर साइन लिब्रा की मैंने रीडिंग की थी, वहाँ भी मैजिशियन आया था और 7 नंबर का कार्ड वहाँ भी आया था। तो एयर साइन के लिए बहुत खूबसूरत है कि यहाँ भी 7 नंबर का कार्ड है। और ये अगर आप इसको 7th मंथ में देख रहे हैं साल के, यानी कि जुलाई में देख रहे हैं, तो बहुत अच्छी बात है, आपके लिए बहुत खूबसूरत होने वाला है। मैजिशियन, जो भी आप मैनिफेस्ट कर रहे हैं, आपको नेक्स्ट वीक में वो चीज़ वजूद में आने वाली है, वो चीज़ आने वाली है आपके पास। अगर आप पैसे को मैनिफेस्ट कर रहे हैं, तो एक नई शुरुआत होगी, रुका हुआ पैसा आ सकता है आपके पास। एंड जॉब में भी अच्छा प्रमोशन मुझे होता हुआ नजर आ रहा है, या जो जॉब आप डाउन में जा रहे हैं वो स्मूथली चलते जाएंगे, ये भी संभावना है। स्किल डेवलपमेंट का भी चांस है, कुछ हो सकता है कुछ ऐसा चीज़ ज्वाइन करें आप नेक्स्ट वीक, या कुछ करने के बारे में सोचें जहाँ पे आपका जो स्किल है, जो आपकी स्पेशलिटी है वो डेवलप हो एक करियर के रूप में। मैनिफेस्ट करने का भी समय है नेक्स्ट वीक, मैनिफेस्ट करने का भी समय है। पावर, मनी, लव, अगर आप लोग ये रीडिंग देख रहे हैं, एक्वेरियस हैं, तो आपको यहाँ बता देता हूँ कि आप लोग में से कुछ लोग पावर, मनी या लव जो भी मैनिफेस्ट कर रहे हैं, उसके पूरे होने का समय है। आपका विल पावर बढ़ेगा नेक्स्ट वीक, आपकी जो मानसिक शक्ति है, साइकिक पावर भी बढ़ने वाली है। अगर आप लो फील कर रहे हैं, कॉन्फिडेंस लो है, तो वहाँ आपकी पावर गेन करेंगे और कनेक्शंस बन सकते हैं किसी के साथ। पैसे आ रहे हैं, स्किल डेवलपमेंट, जैसा मैंने बोला स्किल डेवलपमेंट कोई नई शुरुआत कर सकते हैं आप, और ये आपको इकोनॉमिकली फायदा करेगी, इसमें कोई दो राय नहीं है, क्योंकि यहाँ पे पेज ऑफ पेंटिकल्स है। मैनिफेस्ट करते रहिए, और फाइनेंशियल अपॉर्चुनिटी आपके पास आ रही है, और स्किल डेवलपमेंट यहाँ भी था और यहाँ भी है कि आपको कुछ ना कुछ, अगर आप टीचर हैं, टीचर्स के लिए अच्छा होने वाला है, एजुकेशन के फील्ड में वो भी अच्छा होने वाला है। यहाँ मैं आपको बता देता हूँ कि करियर वाइज आपका नेक्स्ट वीक अच्छा होने वाला है उन लोगों के लिए जो सेल्समैन हैं, इंजीनियर हैं, एस्ट्रोलॉजर हैं और मार्केटिंग में हैं, मीडिया में हैं, उनका करियर अच्छा जा सकता है। एंड मैकेनिक और कम्युनिकेशन रिलेटेड जो करियर जिनका भी है, आप जो रीडिंग देख रहे हैं, उनका अच्छा वीक जा सकता है, या ये सब चीज़ें करने का समय है आपके लिए। तो अच्छा समय है आपके लिए, कोई फेथफुल लॉयल इंसान आपकी लाइफ में आ सकता है, और कुछ चीज़ की ऐसी नींव रखी जा सकती है और कि वो बाद में फाउंडेशन दी जा सकती है, जो बाद में आपको हेल्प करेगी आपके करियर में, ये चीज़ हो सकती है। अच्छी संभावना है फ्यूचर के लिए, नेक्स्ट 7 डेज कुछ चीज़ इम्प्लीमेंट कीजिए और वो भविष्य में आपको, आपका गोल सेट तो होगा ही, साथ साथ आप गोल अचीव भी कर पाएंगे। स्टूडेंट्स के लिए और टीचर्स के लिए तो अच्छा है ही नेक्स्ट वीक। एम्बिशन बनाइए अपना, स्किल डेवलपमेंट का कार्यक्रम जारी रखिए।
एस ऑफ वैंड पावर्स मिल सकता है, पहला कार्ड सही था, पावर मनी पैसा प्यार सब कुछ मिल सकता है आपको, एस ऑफ वैंड यहाँ पे आया है, तो कुछ ना कुछ पावर गेन करते हुए नजर आ रहे हैं मुझे नेक्स्ट वीक आप लोग, क्योंकि यहाँ पे है एस ऑफ वैंड, और एस ऑफ वैंड आता है न्यू वेंचर्स आप कर सकते हैं, एक्सप्लोर कर सकते हैं, सक्सेस मिलेगी आपको, गुड लक आपके साथ है, जो भी करेंगे उस चीज में सफलता हासिल होगी। अगर आप कुछ खरीदना भी चाहते हैं तो नेक्स्ट वीक खरीद सकते हैं, अच्छा समय है। और स्पिरिचुअल बनेंगे कुछ लोग स्पिरिचुअलिटी की तरफ जाएंगे इसकी संभावना है। क्रिएटिव भी बनिए, क्रिएटिव बनने से आपका माइंड जो है मेडिटेट होगा और एनर्जी लेवल सही रहेगा आपका नेक्स्ट वीक। बिगनिंग हो सकती है, किसी के घर में बच्चे की न्यूज़ आ सकती है, बर्थ की न्यूज आ सकती है, फैमिली इंपॉर्टेंट रहेगी नेक्स्ट वीक। ऑप्शंस कुछ लोगों के, आप लोग जितने लोग भी देख रहे हैं, 7 नंबर का कार्ड है, आप लोग बिल्कुल भी रिलेट कर पाएंगे अपने आप से, अपने करियर के बारे में फोकस्ड करना है आपको, आपके पास काफी सारे ऑप्शंस होंगे, हो सकता है कि कोई रिलेशनशिप का भी ऑप्शन आपके पास हो, करियर का हो, तो वहां से आपको सोच विचार के चीजों को चुनना पड़ेगा। अचानक से कोई चीज चुनने से पहले आपको पूरी तरह से अपने आप पे वर्क करना पड़ेगा, देखना होगा कि वो चीज़ आपके लिए सही है कि नहीं है। अचानक किसी चीज़ का चुनाव करना आपके लिए सही नहीं होगा, जांच परख के चीज़ों का चुनाव कीजिए, चाहे वो करियर के मामले में हो चाहे प्यार के मामले में हो। अब हम देखेंगे कि आपको अदर डेक से भी दो कार्ड लेंगे, देखेंगे कि आपको क्या बोला जा रहा है डिवाइन की तरफ से। एक्वेरियस के लिए तो बहुत अच्छा मुझे नेक्स्ट वीक होता हुआ नजर आ रहा है। न्यू मून का कार्ड है, ए न्यू स्टार्ट इज कमिंग, देखिए बहुत एक अच्छा स्टार्ट आ रहा है आपके लिए लाइफ में। लाइफ थोड़ी सी डल बोरिंग और नुकसान से भरी जा रही थी, तो यहाँ पे एक नया स्टार्ट आ रहा है आपके लाइफ में जो आपकी लाइफ को चेंज करेगा। ये चेंज आपके प्यार को लेके भी हो सकता है, आपके करियर को भी लेके हो सकता है और आपके मानसिक शांति को लेके भी हो सकता है। तो ये जो स्टार्ट है वो आपको रिलीफ देगा। लेट्स सी और देखते हैं क्या है, लेट्स सी एक्वेरियस के लिए क्या है। टॉरस, न्यू मून इन टॉरस, ये कार्ड एयर साइन लिब्रा में भी आया था, मैच करता, क्योंकि आप लोग एयर साइन है तो मैच कर रहा है कार्ड। न्यू मून टॉरस का हो सकता है किसी टॉरस से आप डील करें, उनसे कुछ फायदा हो सकता है आपको, और प्रोस्पेरिटी लाइज एहेड का कार्ड है, तो अगर आप कुछ अच्छा गोल अचीव करते हैं, अवार्ड रिवॉर्ड पैसे आने शुरू होते हैं, तो जब बहुत ज़्यादा प्राउड ही नहीं होना है आपको, डाउन टू अर्थ होना है, चीज़ों को इजिली लेना है। देखते हैं अब हम लास्ट टू कार्ड एंजल से लेते हैं एक्वेरियस के लिए, कि एक्वेरियस के लिए क्या कुछ मिल रहा है। लेट्स सी एक्वेरियस को क्या मिल रहा है, क्या बातें बोली जा रही हैं एंजल की तरफ से। लास्ट टू कार्ड्स, रोमांस, जैसा कि मैंने ऑलरेडी कहा है कि रोमांस आ रहा है बहुत सारे लोगों के लिए, आप में से बहुत सारे लोगों के लिए रोमांस आ रहा है, तो गेट रेडी फॉर रोमांस। कोई रोमांटिक पर्सन आपको ऑफर दे सकता है या आप किसी रिलेशनशिप में जा सकते हैं। वन मोर लास्ट कार्ड फॉर एक्वेरियस, नेक्स्ट सेवन डेज। आस्क योर एंजल्स, यहाँ आपको गाइडेंस दी जा रही है कि अगर कोई काम बन नहीं रहा है तो अपने एंजल्स से दुआ कीजिए, अपने एंजल से कहिए, बोलिए, मांगिए, आप जिस रिलीजन में भी हैं उस गॉड से आप मांगिए और मैनिफेस्ट कीजिए कि आपके लाइफ में चीज़ों में सुधार हो। तो एक्वेरियस की नेक्स्ट वीक, नेक्स्ट सेवन डेज की रीडिंग यहाँ खत्म होती है, फिर मिलते हैं, ओम नमः शिवाय।